मेरे ख्याल से कम है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे रहते हो, तुम लोगों को नहीं पता, तुम बात करने वाली यार। यानी कि इस कुएं से पानी उठा के, इस कुएं से पानी उठा के किस तरह? हाँ, वो जो बैल नहीं चलता, बैल। अच्छा, बैल चलता था और बैल चलने से वो जो राहट होती है ना, सही है, टिंडे आती हैं पानी भर भर के। अच्छा, उसकी उसकी वो जो थी, वो जो गिरारी जो थी, वो गिरारी इतनी ऊंची थी कि पानी इस टैंकी के में आगे गिरता, और वो पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म है ना, वो खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये जो बड़े बड़े पिलर है ना, ये पिलर उसके लिए थे ना, और ऊपर टैंकी थी उसके, तो वो जो बड़े बड़े जो 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 टिंडे होती थी, उन टिंडों में पानी जो घूम रहा है और पानी कुएं में से निकल रहा है, और उसके अंदर जो पानी है वो उसमें आगे टैंकी में गिर रहा है, और टैंकी में से पानी फिर नीचे आप घरों में जा रहा है और फ्रेश वाटर जा रहा है। यानी नहरों में जो पानी है वो गंदा पानी नहीं है, तालाब में जो पानी है गंदा पानी नहीं है, शहजादियों ने नहाना है, शहजादों ने नहाना है उसमें, जिसका दिल किया उसने जंप लगा दिया, अंदर चला गया, नहा धो के वापस आ गया, बड़ा गर्क हो गया। यार ये कुआं किसके लिए, इतना बड़ा ये कुआं किसके लिए बनाया हुआ? पानी 24 घंटे चलता रहता है, फुवारों में पानी आ रहा है, क्योंकि फुवारे को पानी में लाने के लिए आपको प्रेशर चाहिए ना, ऊपर से जोर होगा, तो ये टंकी थी यहाँ पर, वो टंकी बर्बाद हो गई। हाइट से लेकर जाते थे ना पानी, यहाँ से हाइट से नीचे जाता था, उससे प्रेशर, उससे वो नेचुरल प्रेशर क्रिएट होता था उससे, ये बहुत हायर लेवल होगा। और जो दूसरा तख्ता था वो क्योंकि नीचे था, पहले तख्ते में उन्होंने सिर्फ नहरें रखी हुई हैं, सही है, उसमें फुहारे नहीं हैं, कम है फुहारे, थोड़े हैं, तो उसका थोड़ी रिमझिम रिमझिम, और दूसरा जो तख्ता है वो नीचे है, तो वो जैसे जैसे नीचे नीचे चला गया स्लोप के साथ से, तभी वो स्लोप बनी हुई है के साथ से दोबारा प्रेशर जा रहा है, और प्रेशर भी नीचे बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं ऐसे ऐसे, और तीसरा जो तख्ता है उसका फुहारों पर वो वहाँ तक जाता था। देखिए एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट, अंग्रेजों की बनी हुई है ये, जो रिवेटेड है ना, ये रिवेटेड तो लग रहा है, ये अंग्रेज है, ये अंग्रेज है, अंग्रेज जहाँ पर रिवेट लगी है वो अंग्रेज है, पक्का अंग्रेज है, जहाँ पर सीमेंट लगा हुआ और लेंटर पड़ा हुआ वो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, और जहाँ पर ये ईंट लगी हुई है और ये जो है ये जो है ये मुगल है, ये मुगल है, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों दौर साथ साथ तुम्हें तीनों यहाँ पे इकट्ठे तीनों मिल रहे हैं, ये एक पिक्चर में तीनों आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी, समझ आई बात की? तो क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना मजाक है? करोड़ हाँ ईंटे बनाई, उसके लिए भट्टे बनाए गए, छोटी, और उसके साइज भी बहुत छोटा है, और एक बराबर मेहनत है, ये तो आजकल ये साइज है, उनका साइज देखो, टायर उनको पकाने में सहूलत रहती थी ना, दोनों तरफ से हीट ज्यादा पहुंचती थी,